या मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु, राजनीति की हलचल हो या खेल जगत का शोर, मनोरंजन के ग्लैमर हो या रेलवे की भागदौड़, हरदम हर पल जुड़े रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकुल कुमार और मैं इस वक्त मौजूद हूं NH24 के सामने जो IPEM कॉलेज है उसमें, और हम इस वक्त एडमिशन से रिलेटेड और IPEM कॉलेज से रिलेटेड बात करेंगे मीनू कक्कड़ जी से, जो यहां की प्रोफेसर है। आइए जानते हैं। नमस्कार जी, मैं प्रोफेसर मीनू कक्कड़ बात कर रही हूँ IT डिपार्टमेंट से, IPEM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। हमारा कॉलेज 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था और जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर BS गोयल, जो एकेडमिशियन थे, जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम उनके लिए, और वो मेरिटोरियस हैं या गर्ल्स स्टूडेंट हैं, तो हम उनके लिए बहुत अच्छी कंसेशन फी में और भी कंसेशन उन्हें प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, हमारे यहाँ एक्टिविटी क्लब्स हैं जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को कराते हैं। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पढ़ाई के साथ साथ, हम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पर बच्चों पर बहुत फोकस करते हैं। सिर्फ PG की बजाय, PG तो है ही है, उसके साथ साथ हम UG कोर्सेज के भी प्लेसमेंट पर बात करते हैं। BBA, BCA, लॉ, इन सब के भी हम प्लेसमेंट कराते हैं। हमारे यहाँ पर लास्ट ईयर हमारे MCA के बच्चे, बहुत सारे बच्चे विप्रो टेक्नोलॉजीज में सिलेक्ट हुए थे। इस बार भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो MBA की स्टूडेंट है रुचि शर्मा, वो उसका भी बहुत अच्छा 7.4 लाख का प्लेसमेंट हुआ है। हर चीज़ पर फोकस किया जाता है, कोई भी एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसे हम अवॉइड करते हो। बच्चों का वैल्यू एडिड क्लासेस देते हैं जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो सके। वैल्यू एडिड के साथ साथ हम करिकुलम पर सिर्फ फोकस ना करके और भी सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं, और स्पोर्ट्स भी हमारे यहाँ पर एक स्पोर्ट्स को भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स क्लब है, IT क्लब है, कम्युनिकेशन क्लब है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, जहाँ पर हम बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं कि वो अपना बिजनेस खुद से एस्टेब्लिश कर पाए, और हर चीज़ पर फोकस किया जाता है। आइए बात करते हैं कर्नल AS मोहोत्रा जी से और जानते हैं IPEM कॉलेज। सर, गाजियाबाद के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, जो कोर्स आप करवाते हैं वो भी करवाते हैं, लेकिन इसी कॉलेज में स्टूडेंट्स क्यों आए? एक दो तीन चीज़ें जो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो गाजियाबाद में कई कॉलेज आते हैं, बिल्कुल ठीक है, पर ये एक ऐसा कॉलेज है जो एक एकेडमिशियन डॉक्टर BS गोयल ने स्थापित किया था 1996 को, और हमारा 22 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे कि कॉलेज का नाम ही है जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड मैनेजमेंट, तो हमेशा इस चीज़ का पक्का ख्याल रखा है कि हर चीज़ में एक्सीलेंस हो। तो हमारा पढ़ाई के अंदर भी एक्सीलेंस रिजल्ट है, हमारे अभी इसी साल के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर MCA में टॉपर आए हैं, पिछले साल एक दो साल पहले हमारे MBA के यूनिवर्सिटी में टॉपर आए थे, और हमारे रिजल्ट और जो प्लेसमेंट है वो आउटस्टैंडिंग रहे हैं। रिजल्ट भी और प्लेसमेंट भी हमारे 100%, अभी जो 2017 में बैच पास आउट हुआ है उसके अंदर भी हमारे जो प्लेसमेंट है वो 100% है, MBA में भी और MCA में भी, और प्लस उसके अलावा हम लोग कई ऐसे प्रोग्राम है, वैल्यू एडिड प्रोग्राम जो हम कराते हैं जो कि और जगह पर नहीं होते, और जो हम कहते हैं वही हम सब कराते हैं। सर, एक सवाल ये है कि अभी GST भी लागू है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या एडमिशन को लेकर कुछ फर्क पड़ेगा GST में? अभी तक जो हमारे GST के हमने सेमिनार कराए अपने इंस्टीट्यूट के अंदर भी, इन हाउस भी कराए और इंडस्ट्री वालों के साथ भी हमने
सेमिनार कर रहे हैं। तो मेरे को भी इतना ज़्यादा लगा जिसकी वजह से कि एजुकेशन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा एडमिशन के ऊपर। एडमिशन के लिए वो बच्चा जो आता है वो बेसिकली आता है कि यहाँ पे एजुकेशन कैसी है, यहाँ पे डिसिप्लिन कैसा है और यहाँ पे वैसे जो वातावरण कैसा है, उन सब चीज़ों के अंदर जो है हमारा कुछ GST की वजह से प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और हम लोगों ने कोई प्रॉफिट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोल के रखा है, हम लोगों का बेसिकली कि हम सोसाइटी को क्या दे सकते। जो हमारे पहले डॉक्टर BS गोयल थे जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, उनका हमेशा ये जो है कि हमारा विजन जो है सोसाइटी को कैसे सर्व किया जाए, उस तरीके से एक प्रॉफिट बनाने का नहीं, एम है सोसाइटी को कितना ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सकता है। और हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीकर सेक्शन से उनको स्पेशल कंसेशन दिए जाते हैं, जो डिफेंस फोर्सेज के हैं या और लोगों के अंदर क्या हमदनी का जरिया कम है उनके लोन की ये प्रबंध, या उन लोग को फ्री एजुकेशन भी दिया जाता है रोटरी क्लब की तरफ से जो दिया जाता है। 5 बच्चे हमारे साथ इस तरीके से भी देते हैं। डायरेक्टर जनरल होते हुए आप इस कॉलेज के स्टूडेंट को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ पे अच्छे से अच्छे एजुकेशन पढ़ाएंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका रिजल्ट अच्छा है, हम ये इंश्योर करेंगे आपका प्लेसमेंट अच्छा होए और हम ये चाहेंगे जिसके ऊपर आपके माता पिता भी गर्व करें। सबसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कॉलेज से जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं उन्हें प्लेसमेंट कहाँ होता है? देखिए, मैं डॉक्टर RPS थॉमस, मैं डायरेक्टर हूँ IT डिपार्टमेंट में जी। और मेरा जो एक्सपीरियंस है IT फील्ड का 40 इयर्स का जी, और IPM में जो 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जी, IT स्टूडेंट्स को कैसे उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ग्रेजुएटेड प्रोग्राम जी, जावा, एंड्रॉयड, .NET जो आज मार्केट में सबसे ऊपर प्रोग्राम्स है, इसमें मेरा प्लेसमेंट नंबर 1 है, मेरे कॉलेज का प्लेसमेंट नंबर 1 है। मैं अपने स्टूडेंट्स को समर वैकेशन में वैल्यू एडिड प्रोग्राम कराता हूँ। अभी भी मेरे यहाँ जावा का वैल्यू एडिड प्रोग्राम चल रहा है। इससे पहले हमने जो लेटेस्ट मार्केट में प्रोग्राम्स हैं IT में डेवलपमेंट्स हैं, टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को हम उनके बारे में भी इसकी भी सूचना इंफॉर्मेशन या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आपका कोई एक संदेश? स्टूडेंट्स के देखिए, स्टूडेंट्स को जब वो किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आता है तो वो 3 चीज़ें चूज करता है जी। पहली चीज़ ये है कि उसकी फीस क्या है जी। दूसरी चीज़ क्या है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में फैकल्टी प्रोफाइल क्या है, और तीसरी चीज़ ये है कि उनका प्लेसमेंट कहाँ होगा। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में फीस इस पर्टिकुलर एरिया में NCR में सबसे कम हमारे कॉलेज की है। उसका फैकल्टी, मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेरे यहाँ PhD में है जी। और एक जो अच्छा प्रोग्राम है इस एरिया में प्रोवाइड करते हैं, और तीसरा प्लेसमेंट, चूँकि इस बात की आपने देखा होगा कि मेरे स्कूल की IT की जो MCA की प्रोग्राम की लड़की है वो टॉपर है एक टीम में, और उसका प्लेसमेंट विप्रो जैसी कंपनी में है। MCA का ही नहीं, जो मेरे BCA के या MCA के स्टूडेंट्स की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट विप्रो में है, DCS में है, और दूसरे जो Tier 1 कंपनीज हैं उनमें हम लोगों का प्लेसमेंट है। तो अभी हमने यहाँ के डायरेक्टर जनरल से और IT विभाग के जो डायरेक्टर से बात की और जाना कि यहाँ पे कि जो पढ़ाई है और यहाँ से जो प्लेसमेंट के लिए भेजे जाते हैं उनके क्या हालात है। आगे के लिए मैं आपको बताऊँगा कि जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसके लिए आप सर्च करें dailynewsonline.in और इस कॉलेज की जानकारी के लिए इस साइट को विजिट करें। आइए इनसे जानते हैं कि मैं यहाँ आकर कैसा है। तो क्या डिसाइड किया है आप इस कॉलेज में एडमिशन वगैरह के लिए, कुछ सोचा है या किस कॉलेज में जाना पसंद करेंगे? अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट व्हेन आई विल सी एनी ब्रांच ऑफ BTech, अगर मैं BCA करूँगी तो फिर मैं इसी कॉलेज के लिए चूज़ करूँगी। मैंने देखा BCA की फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स का बिहेवियर मुझे बहुत पसंद आया, तो हम BCA के लिए अगर ऑप्ट करना होगा तो आई विल ऑप्ट दिस कॉलेज। आपको कैसा लगा यहाँ? Enjoyed a lot and the faculty is very good and especially the teachers, staff, the management, they are awesome. And for the further references, I have opted BTech.
So firstly, I wait for the counseling of UKDU. After that, I will decide. But yeah, I will make it a priority to take admission in this. Thank you. इस कॉलेज में आके आपको कैसा लगा? अच्छा, क्या क्या चीज़ अच्छी लगी है? मैनेजमेंट अच्छा है, काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे थे सारे प्रोग्राम्स को और सब। 12th पास आउट आपने कहाँ से किया? चिल्ड्रन से अकेडमी। क्या परसेंटेज है? 86। और आप? मुस्कान। मुस्कान चिल्ड्रन्स अकेडमी। ओके, तो कितने परसेंटेज है? 80। कैसा लगा यहाँ का? अच्छा है सब। सब अच्छा है। ओके, फ्यूचर में एडमिशन के लिए क्या सोचा आपने? सभी को हम सोचा है कि गुड। दिल्ली हो या मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु, राजनीति की हलचल हो या खेल जगत का शोर, मनोरंजन के ग्लैमर हो या रेलवे की भागदौड़, हर दम हर पल जुड़े रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ।